शेख, सवाल आपने जो कहा है कि बेचने वाला सामान जो होता है वो मौजूद हो, मिल्कियत में हो, कभी कभार होता है ऐसा है कि फ्लैट्स, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है, बिल्डर्स के पास कैपेसिटी नहीं होती है, उनके पास उतना फंड नहीं होता है कि पूरा फ्लैट बना के बेचे, वो लोग क्या करते हैं, बुकिंग पे रिलाई करते थे, वो लोग बुकिंग्स पे रिलाई करते हैं, तो बुकिंग वो लोग शुरुआत में पैसा लगाते हैं अपना 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी है, बाद में जैसे जैसे बुकिंग्स आती है उनकी, वो फ्लैट कंप्लीशन की तरफ जाता है, तो बुकिंग्स, वैसे फ्लैट की बुकिंग्स लेना या वो वैसे फ्लैट बेचना जो अभी बने नहीं है और ना बनाने की उसकी कैफियत है जब तक कि बुकिंग के पैसे ना आ जाए, तो वो वैसी तजारत कैसे आ रही। इससे, इसके ताल्लुक से पहले दर्स के अंदर मैंने ये वाज़े किया था कि जानकारी, सामान जिस पर ख़रीदो फरोख्त हो रहा है उसकी जानकारी ज़रूरी है। जानकारी की दो शक्ल मैंने बताई थी, नंबर एक आँख से हमने देखा हो अगर देखने वाली चीज़ है, नंबर दो उसकी जानकारी हमें दी गई हो, खबर उसके सिफात बयान किए गए हों कि जिस चीज़ के बारे में अभी बातचीत चल रही है वो ऐसी और ऐसी होगी, उसके सिफात ज़िक्र कर दिए गए हों। और फ्लैटों के अंदर तकरीबन ये सारी बातें बुकिंग करने से पहले इंजीनियर के नक्शे के एतबार से सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, अगर वो हमारे सामने बताई गई है, रखी गई है वो सिफात, और उसकी रोशनी में हम ख़रीदना और बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। लेकिन कुल्ली मालिक हुआ है ना अभी मुकम्मल, बिल्डर बिल्डर तो अभी मुकम्मल उसको इख्तियार नहीं मिला है ना। दूसरा ये कि बिल्डर के पास पैसा भी नहीं है, वो लेता इसी कंडीशंस पे है कि बुकिंग आएगी तो मेरा काम चलेगा, उसके पास पैसा नहीं है पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर फ्लैट नहीं बिके तो जो जो लैंड ओनर है वो अटक जाता है कि यार वो बना क्यों नहीं रहा, बोले बुकिंग ही नहीं आ रही, तो बुकिंग नहीं आ रही तो तुमने तो सौदा कर लिया ना। और दो चार लोगों की जो बुकिंग हुई है वो भी अटक जाते हैं, उनका भी मामला अंधेरे में। दरअसल आपने एक दूसरा मसला जिक्र किया और अब तक हम लोग दूसरे ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हैं, बाय मादूम जिसके हवाले से बात चली थी, बाय मादूम और बाय मौजूद, सामान मौजूद हो सिर्फ उसी का कारोबार हो सकता है, जो मौजूद ना हो, मजहूल हो, उसका कारोबार नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि कुछ सिफात बता करके वो चीज़ें उसके इम्कान में हैं, उसके बस में हैं, वो पेश कर सकता है, तो यकीनन उसके ऊपर सौदा किया जा सकता है। वो मौजूद तो नहीं है पर मौजूद की शक्ल में आ सकती है, इम्कान है, वाक़यात तजर्बात ये बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर ज़न्ने गालिब है तो उसके ऊपर सौदा हो सकता है। आइए मैं मिसाल देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया था हमल के ख़रीदने और बेचने से, क्या वो आदमी के इख्तियार में है, किसी इंसान के इख्तियार में है, चाहे तो पैदा करे चाहे तो ना पैदा करे, नहीं, तो उस पर नहीं हो सकता। लेकिन जो चीज़ आदमी के बस में हो, इख्तियार में हो, क्या ज़मीन के अंदर खेती करते हुए आप उसके अंदर बीज डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में है कि नहीं, हमारे इख्तियार में, उसे हम डाल सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर बालियां निकाल दी और बालियों में दाने डाल दिए, जाहिर सी बात है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करता है। हम उसके हवाले से अगर ये सौदा करते हैं कि हमारी इस खेती में अगर फल आया या इतने गल्ले आए या इस दरख्त के अंदर इतने फल आए, तो उतने फल इस रेट पर, इस कीमत पर हम आपको देंगे, वो फल उसकी सिफत ये होगी यानी वो इस नाम का होगा, और दाने जो पैदा होंगे उसका ये नाम होगा, उस नाम से लोग वाकिफ़ हैं, उसके सिफात से वाकिफ़ हैं, ये अगर पैदा होते हैं, अल्लाह ने पैदा कर दिया है, तो यकीनन हम उसे आपके हाथ से इतने रेट पर बेचेंगे, ठीक।
सौदा हम कर सकते हैं। क्या सौदा करेंगे? आपको 5 किलो 10 किलो हम ये फल दे सकते हैं, या ये खेती का ये दाना पैदा होता है तो इस रेट पर हम आपको देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके कुछ शुरूत हैं, अगर वो शुरूत अपनाए जाते हैं तो ऐसा सौदा करना जायज़ है। मन असलम फलयुस्लिम फी कैलिल मालूम वज़निल मालूम इला अजलिल मालूम। अगर कोई शख्स ऐसा सौदा करता है जो अभी मौजूद नहीं है लेकिन आइंदा वो मौजूद हो सकती है, इम्कान है उसका, गालिब गुमान है, तो करे लेकिन चंद चीज़ों की तायीन हो जाए। कितने हद तक उन चीज़ों को वो लेगा या देगा, वज़न के ज़रिए से या नाप करके उसकी तायीन कर ले, और नंबर दो वक्त मुतय्यन कर ले। तो ये चीज़ें अगर मुतय्यन हो गई हैं, रेट मुतय्यन कर ले, अगर ये चीज़ें मुतय्यन हो गई हैं तो फिर सौदा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं मुतय्यन हैं तो फिर जहालत आ जाएगी और जहालत के साथ कोई भी सौदा नहीं हो सकता। फ्लैट का जो आपने तज़किरा किया है, फ्लैट के मामले का, ये इम्कान में है, इंसान के इख्तियार में है, और वो अगर चाहे तो बना सकता है। जहालत तो है पर जहालत कम है, इंसानी इख्तियार से बाहर की चीज़ नहीं है। तो अगर कोई शख्स उसके सिफात बता करके उसे बना रहा है, हमें अगर उस इंसान के बारे में कोई तजर्बा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है उसके साथ हम इस तरह का सौदा करें। लेकिन अगर हम सौदा करते हैं तो तहरीरी तौर पर दोनों एतमाद को बहाल रखने के लिए उस मामले को कर सकते हैं, और अगर पैसे के डूबने का अंदेशा और ख़तरा हो इस तरह के मामलात में तो ज़मानत का भी शरीयत इस्लामिया ने एक रास्ता रखा है, रहन का भी एक रास्ता रखा हुआ है कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में अंदेशा रखता है तो दोनों के दरमियान रहन या ज़मानत वाली कोई चीज़ रख दी जाए कि भाई अगर ये चीज़ आप हमारे हवाले करेंगे फला फला सिफत की तो इस रेट के एतबार से उसे हम लेंगे और आपकी ये चीज़ वापस कर देंगे, और अगर वैसे ही एतमाद और यकीन है तो बिला ज़मानत के भी आदमी वो सौदा कर सकता है उस उम्मीद की बुनियाद पर जो पिछले तजर्बात के ज़रिए से हमें मालूम हो चुके हैं।